अरे कहाँ मरी हुई थी, इतनी देर लगाती है दरवाजा खोलने में? अगर हम ऐसे ही चुप रहेंगे, हमेशा सहते रहेंगे, तो एक्चुअल सच्चाई तो यही है और ये चलता रहेगा। अगर ये चुप ना रहे तो क्या होएगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। ए, खाना बना के ला, दोस्त लोग आ रहे हैं मेरे। क्या लगा रखा है? मेरी गाड़ी की बोतल को छेड़ेगी तू? इतनी बड़ी है इतनी? छोड़! इतनी बड़ी? सबने, हम मार खाते हैं, हम सहते हैं, हमारा रेप होता है, हम सुनते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम घर के एक कोने में पड़े रह जाते हैं। और इन लोगों का क्या होता है, ये खुद ऐसे होते हैं, खुद दस ऐसे बनाते हैं। लेकिन जिस दिन हम लड़कियों ने भी ठान लिया ना, क्योंकि हम में हिम्मत है, हम पैदा हिम्मत होके लेते हैं, हम हिम्मत लेके पैदा होते हैं। और अगर हमने ठान लिया ना कि लड़ना है, आगे आना है, बोलना है, खड़े होना है खुद के लिए, मेरे जैसी दस लड़की एक दूसरों के लिए, सबके लिए खड़ी हो जाए, तो देश बदल जाएगा। सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ी हुई हुई हूँ, देश की सारी बेटी, देश के हर इंसान के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं आपको बता दूं, दूसरे देश से लोग आते हैं, हमने उनसे बात करी, हमने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि यहाँ आने से पहले आपको क्या बोला गया। हमारे कुछ बोले भी ना, उन्होंने सिर्फ इतनी सी चीज बोली कि उन्होंने हमें बोला कि अगर तुम अपने साथ औरत ला रहे हो ना, तो ध्यान रखना घर से बाहर 7 बजे के बाहर मत निकालना, क्योंकि इंडिया इज अ रेप कंट्री। तालियां नहीं बजी क्योंकि बुरी बात है, तो तालियां ना बजा के दुख जाहिर करने से कुछ नहीं होता, आवाज उठानी पड़ती है, आगे आना पड़ता है। और मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के लिए जो सब यहाँ बैठे हैं और हमारे सपोर्ट में हैं, क्योंकि आप जैसे लोग ही हैं जो देश बदलना चाहते हैं और हमारे साथ हैं, और हम जैसे बच्चों का साथ देना चाहते हैं। और आज जैसी हालत मैंने इस इंसान की करी है, हर लड़की को इतना जज्बा आ जाए ना, वो जज्बा कहाँ से आएगा, घर के अंदर से आएगा। कभी नहीं फील कराना अपनी बेटी को तुम किसी लड़कों से कम हो, कभी फील नहीं कराना कि तुम कुछ नहीं कर सकती, हम अपने बलबूते पर देश बदल सकते हैं। पीवी सिंधु गोल्ड लेके हिमा दास ने मेडल की कतार लगा दी, क्या वो बेटी नहीं थी? थी ना, तो जब उसकी खुशियों में हम खड़े हुए हैं, तो जिस बेटी के साथ बुरा होता है उसके लिए क्यों नहीं खड़े होंगे? हम होंगे और हम देश बदलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।